धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं शिक्षा के प्रति समर्पित कुछ कार्यकर्ता जिनको शिक्षा प्रेरक के रूप में जाना जाता है उनके संदर्भ में उनकी कुछ समस्याओं की ओर सदन का आपके माध्यम से माननीय सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, शिक्षा के संदर्भ में क्योंकि आज अगस्त क्रांति दिवस है और क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत रामप्रसाद बिस्मिल एक बात कहा करते थे कि शिक्षित व्यक्ति का शोषण नहीं होता और संस्कारित व्यक्ति का पतन नहीं होता। आज आदिवासी विधि पिछड़े हैं तो उसका मूल कारण उनमें शिक्षा का काम नहीं हुआ। राजस्थान में गोविंद गुरु हुए हैं बांसवाड़ा के, उन्होंने आदिवासियों को शिक्षित करने का बहुत बड़ा काम किया। लेकिन वर्तमान में जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्रेरक लगे हुए हैं, अभी उनके एक बैठक में मुझे जाने का मौका मिला था, उन्होंने अपनी समस्याओं को मेरे सामने रखा। मुझे आश्चर्य हुआ कि उनको केवल महीने में 2000 रुपये दिया जाता है। तो मेरा भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से भी मेरा ये आग्रह है कि 2000 रुपये में एक नरेगा के कर्मचारी को राजस्थान में 170 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है जिसका 5200 रुपये एक महीने का बनता है, और इन शिक्षा प्रेरकों को केवल 2000 रुपये दिया जाता है तो उनके साथ बड़ा अन्याय है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उनको अच्छा मानदेय दिया जाए ताकि सम्मानपूर्वक शिक्षित कर सके लोगों को और देश के अंदर वो सहभागिता कर सकें। धन्यवाद।